इंदिरा आवास योजना 1985 का उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवार तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जिला पूर्वी सिंहभूम पुटका प्रखंड के अंतर्गत सहदा पंचायत के सहदा गांव के टोला पंडूडी में इंदिरा आवास योजना के तहत सुनील सिंह का घर बनना था। सुनील सिंह का कहना है कि इंदिरा आवास की स्वीकृति 2014-15 में हुआ था, लेकिन दलाल सिंह भूमिज के कारण 2 साल होने के बाद भी घर बनाने का काम शुरू नहीं किया गया है। इसलिए हम लोगों को जंगल झाड़ी के बीच मिट्टी और पूस का घर में किसी तरह रह रहे हैं। आपका इंदिरा आवास कितना साल पहले पास हुआ था और आप क्यों नहीं बनाया है? हमारे गांव का सिंगो भूमिज, उसी ने इंदिरा आवास का हमारा हैंडओवर लिया था, फिर वो ईटा उटो गिरा दिया, फिर उसके बाद वो काम करने का मन ही नहीं लगा और फिर गया हम लोग उसका घर, बोल रहा है काम क्यों नहीं कर रहा है, कहीं नहीं बना रहा हम लोग का घर। वो बोल रहा है बनाएंगे जो रुको बोल रहा है, तो हम बोल रहा है इतना दिन हो गया, इतना दिन का सिलेक्शन था हम लोग का घर का इंदिरा आवास, कहे नहीं बनाया। तो क्या बोल रहा है, वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? वो तो शायद नहीं बना सकता है, क्योंकि हम लोग गया था उसका घर ऐसे ये लाने, पासबुक लाने, तो बोल रहा कि हम लोग का पासबुक दो, अब तो बना नहीं सकेगी तो हम लोग को दे दो। वो बोल रहा पैसा दो 4,600 रुपया, फिर उसके बाद अपना पासबुक लेके जाओ। पासबुक आपके पास है या सिंगो के पास ही है? सिंगो भूमिज के पास ही है। सुनील सिंह का पूरा रकम पाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया जाए ताकि जल्द से जल्द इंदिरा आवास का पूरा रकम मिल जाना चाहिए। मैं वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभास चंद्र दास को 9934585501 पर फोन करके दबाव डालें ताकि सुनील सिंह का इंदिरा आवास का पूरा रकम मिल जाना चाहिए और घर बना सके। मैं तुलसी हेमराम, जिला पूर्वी सिंहभूम झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।